दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम खजनी सुरेश राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एम्स प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एम्स में प्रथम चरण में 50 बेड का तथा द्वितीय चरण में भी 50 बेड का कोरोना मरीजों के लिए वार्ड बनाया जाएगा, जिसके संबंध में एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। अरे भाई क्या है फोटोग्राफर पेशेंट्स के लिए हम इंतजाम कर सकें। लेवल टू ठीक है। लेवल वन पहले रहेगा और फिर लेवल टू साथ में, और अगर ऊपर वाले ने चाहा आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी हम जाएंगे। हमारे को जिस समय आईपीडी मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन के बाद, तब हम सर्विसेज और अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस पाइपलाइन का अभी जो है शुरुआत जो है वो वहाँ पे ही है आईपीडी में। ओपीडी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ये सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। कब तक शुरू करनी चाहिए ये हम लोगों को? देखिए 30 तारीख को ये बिल्डिंग रेडी होके मिलेगी सेकंड फ्लोर की। ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि सीएम साहब से हमको ये मिला था रिक्वेस्ट कि आप शुरू करिए किसी भी तरह से,
तो हमारा ये था कि हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो ये ओपीडी एरिया है, लेकिन हमने उनकी रिक्वेस्ट पे और हमने यहाँ की स्थिति को भाव करके ये कोशिश करने की मतलब सोचा है कि हम इसको किसी तरह से वार्ड में कन्वर्ट करके और जनता की सहायता करें। कोरोना से संबंधित बीमारी को लड़ने की जो है एक मुहिम जो है वो मंत्री जी के साथ मिल करके आप लोगों अरेंजमेंट। हाँ, ये बात तो आप बहुत सही बोल रहे हैं इतने कम टाइम में। इसीलिए अगर आईपीडी हमें मिलता और हम वहाँ शुरू करते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। जब उन्होंने कहा, देखिए अभी आप देखेंगे बीआरडी में सारे बेड्स जो हैं वो भर गए, कोरोना का केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम लोग इसका विस्तारण कैसे कर सकें कि सुविधाएँ लोगों तक पहुँच सकें। इसलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी और हम जरूर इस कोशिश में रहेंगे कि जहाँ तक हो सके आप सब लोगों के साथ मिलकर के जनता की। 15 से 1 महीना लगेगा इसलिए क्योंकि आपको सामान लाना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने होंगे, लॉन्ड्री की सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़। ऐसा नहीं है कि मैंने बेड लगाया और आज से देखना शुरू किया। पेशेंट का चादर बदलेंगे तो धुलेगी, उसकी सेवा शुरू से हमें आपकी नर्सेज लगेंगी, मैन पावर लगेगा। मिनिस्ट्री में सब हमने मैन पावर इस चीज़ से रिलेटेड फाइल्स भेज दी हैं। जैसे ही हमें सब चीज़ें उपलब्ध होंगी हम बिल्कुल इसको तैयारी में बिल्कुल जुट जाए। ठीक है।